नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमकॉम न्यूज और मैं हूं रजनीकांत। इस देश में खूब पैसा है और इतना पैसा है कि बीते 10 वर्षों से देश के लोगों की खून पसीने की कमाई कैसे अमीरों और उद्योगपतियों के ऊपर लुटाए जा रहे हैं, ये जानने से पहले सुनिए बढ़ते एनपीए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में क्या कहना है। अब देश की बैंकिंग सेक्टर को ताकत दी गई है। ताकत देने के बाद आज मैं पहली बार 4 साल आपके झूठ को झेलता रहा, आज मैं देश के सामने पहली बार ये जानकारियां दे रहा हूँ। 18 लाख करोड़ से 52 लाख करोड़ लुटा दिया आपने, और आज जो पैसे बढ़ रहे हैं वो उस समय के आपके पाप का ब्याज है। ये हमारी सरकार ने दिए हुए पैसे, ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो 52 लाख करोड़ पर ब्याज जो लग रहा है उसका है। और देश कभी आपको इस पाप के लिए माफ नहीं करेगा, और कभी न कभी तो ये चीजें, इसका हिसाब देश को आपको देना पड़ेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कहते कहते भी मोदी सरकार में लूट गए 3,92,000 करोड़ रुपए। मोदी सरकार के 5 साल में देश के 3,92,765 करोड़ या तो बट्टे खाते में डाल दिए गए या कारोबारियों के माफ कर दिए गए। बीते 10 साल में सरकार तो बदली, लेकिन आपके खून पसीने की कमाई कैसे लुटाई गई, देखिए ये रिपोर्ट। सरकार चाहे यूपीए की हो या एनडीए की, देश का पैसा खूब लुटाया गया। देखिए मनमोहन सिंह के सरकार में कैसा रहा एनपीए का हाल। साल 2009 में सरकारी और निजी बैंकों का 2,165 करोड़ रुपए एनपीए हुआ। साल 2010 में बैंकों का 15,068 करोड़ रुपए एनपीए हुआ। साल 2011 में भी सरकारी और निजी बैंकों का हाल भी वही रहा। साल 2011 में देश का 20,299 करोड़ एनपीए हुआ। साल 2012 में सरकारी और प्राइवेट बैंकों का 18,248 करोड़ एनपीए हुआ। अब बदली साल 2013, और साल 2013 में भी सरकारी और निजी बैंकों का 21,549 करोड़ रुपए एनपीए हुआ। अब सरकार बदली और देश का जिम्मा मोदी सरकार के ऊपर आया। भले ही लोकसभा में मोदी सरकार बढ़ती एनपीए को कांग्रेस का पाप करार दे रही हो, लेकिन मोदी सरकार में देश का एनपीए में 150 गुने की बढ़ोतरी हुई। देखिए मोदी सरकार में कैसे खुलकर देश का पैसा लुटाया गया। साल 2014 में सरकारी और निजी बैंकों का 35,424 करोड़ रुपए एनपीए हुआ। अब आई साल 2015। साल 2015 में सरकारी और निजी बैंकों का 92,947 करोड़ रुपए एनपीए हो गया। साल 2016 में सरकारी और निजी बैंकों का 71,253 करोड़ रुपए एनपीए हुआ। साल तो बदली, लेकिन वाकया वही था। साल 2017 में सरकारी और निजी बैंकों का 89,048 करोड़ रुपए एनपीए हो गया। अब आई मोदी सरकार का कार्यकाल का आखिरी साल, यानी साल 2018। साल 2018 में 2017 के तुलना में 2 गुना बढ़कर एनपीए 1,44,093 करोड़ रुपए हो गया, यानी कुल 3,92,765 करोड़ या तो बट्टे खाते में डाल दिए गए या उद्योगपतियों के माफ कर दिए गए। मोदी सरकार के कार्यकाल में एनपीए बढ़कर 10,25,000 करोड़ रुपए पार हो गई। अब ये भी जान लीजिए कि इतने पैसे से देश में क्या क्या हो सकते थे। इतने पैसे में देश में लगभग 1,92,000 आवास बन सकते थे, लगभग देश में 4,000 IIT खुल जाते, इतने पैसे में देश में 160 नए एम्स खुल जाते। लेकिन जैसे आपके खाते में 15 लाख आ नहीं सकते, वैसे ही ये सब भी नहीं हो पाया। बढ़ती एनपीए पर सरकार क्या कदम उठाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हिमकॉम न्यूज़। और जो दर्शक पहली बार हिमकॉम न्यूज़ देख रहे हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ताज़ा अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।